गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं म्यूटाजेंस के बारे में। आज मैं आपको म्यूटाजेंस के बारे में बताऊंगा। म्यूटाजेंस होते क्या हैं? सबसे पहले म्यूटाजेंस वो एजेंट होते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं। म्यूटाजेंस आर द एजेंट दैट कॉजेज म्यूटेशन। ये क्या करते हैं? डायरेक्टली एक्ट करते हैं किस पे? डीएनए पे। और क्या कॉज कर देते हैं? डीएनए डैमेज। और डीएनए डैमेज ही कहलाता है हमारा क्या चीज? म्यूटेशन। म्यूटेजेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिजिकल म्यूटेजन, एक होता है केमिकल म्यूटेजन। पहला होता है हमारा फिजिकल म्यूटेजन, दूसरा होता है केमिकल म्यूटाजेंस। अब मैं आपको बताता हूँ फिजिकल म्यूटाजेंस के बारे में। फिजिकल म्यूटाजेंस, अब हम डिस्कस करेंगे किसके ऊपर? फिजिकल म्यूटाजेंस के ऊपर, कि इनमें क्या चीज़ होती है और क्या क्या चीज़ आती है। फिजिकल म्यूटाजेंस में क्या होता है? रेडिएशन म्यूटाजेंस की तरह एक्ट करती हैं। रेडिएशन जो होती हैं वो किसकी तरह एक्ट करती हैं? एक्ट एज म्यूटाजेंस। अगली चीज़ जो होती है फिजिकल म्यूटाजेंस में जो होता है, रेडिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। रेडिएशन क्या करती हैं? डीएनए को डैमेज करती हैं। जो रेडिएशन डीएनए को डैमेज करती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है 340 नैनोमीटर से। अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कौन कौन सी रेज डीएनए को डैमेज कर सकती हैं? रेज दैट डैमेज डीएनए, सबसे पहली है एक्सरे, दूसरी है बीटा रे, तीसरी है अल्फा रे, चौथी है डेल्टा रे। अब क्या है, फिजिकल म्यूटाजेंस को भी हमने दो चीज में डिवाइड कर दिया है। एक होता है आयनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा होता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आयनाइजिंग रेडिएशन की। आयनाइजिंग रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती हैं उनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरी चीज उनकी हाई एनर्जी होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आयनाइजिंग रेडिएशन की वो है, ये क्या करती हैं? बायोलॉजिकल कंपोनेंट को डीपली पेनिट्रेट करती हैं। बायोलॉजिकल कंपोनेंट डीपली पेनिट्रेटेड किसके द्वारा? आयनाइजिंग रेडिएशन के द्वारा। अब आयनाइजिंग रेडिएशन में क्या क्या चीज आती है? एक्सरे आती है और गामा रे आती है। अब ये डीएनए को कैसे डैमेज करती हैं? ये क्या करती हैं? चार्ज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करती हैं जो कि रिएक्ट करता है किसी साथ में? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ में प्रोड्यूस चार्ज मॉलिक्यूल जो कि रिएक्ट करता है किसके साथ में? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ में। अब बात करते हैं ये कैसे डीएनए को डैमेज करती हैं, ये क्या क्या करती हैं डीएनए में। आयनाइजिंग रेडिएशन कॉजेस, सबसे पहले ये क्या कॉज करती है? बेस को डिलीट कर देती हैं, मतलब बेस डिलीशन। दूसरी चीज ये क्या करती हैं? क्रोमोसोम में ब्रेक लगा देती हैं, मतलब क्रोमोसोमल ब्रेक्स। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये करती हैं, क्या कर देती हैं? क्रॉस लिंकिंग कर देती हैं बिटवीन डीएनए बेसेस। क्रॉस लिंकिंग बिटवीन डीएनए बेस, ठीक। अब मैं आपको इनका एक्ट दिखाता हूँ। मान लो ये हमारे पास डीएनए है,
ही, ये हो गया हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड, इसके बीच में क्या हो गया बेसिस प्रेजेंट है। अब क्या होगा जब बीटा रे डैमेज करेगी तो वो किस पे एक्ट करेगी, वो एक्ट करती है ग्वानी और साइटोसिन पे, बीटा रे। और जो अपनी एक्सरे जो अटैक करती है वो किस पे करती है, एड्रेनिन और थायमिन पे जाके। ये इनके बीच में क्या कर सकती है, बेस को डिलीट कर सकती है और क्या कर सकती है, क्रोमोसोम ब्रेक लगा सकती है और क्या कर सकती है, क्रॉस लिंकिंग कर सकती है। ये काम क्या करती है, एक्सरे। ये सब बात आती है किसके बारे में, आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में, जो कि एक फिजिकल म्यूटेशन में आती है। अब बात करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन की, दूसरी है फिजिकल म्यूटेशन में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी रेडिएशन होती है, ये वो रेडिएशन होती है जिनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरी चीज इनमें लो एनर्जी भी होती है। अब आयनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन सी रेज आती हैं, रेडियो वेव्स आती है एक तो, और क्या होता है लाइट आती है, और यूवी रे को भी हम नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन बोलते हैं क्योंकि ये किससे आती है, सन से, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन comes from sun। अब इसमें क्या होता है, ये जो रेडिएशन होती हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ये डीपली पेनिट्रेट नहीं कर सकती किसको, बायोलॉजिकल कंपोनेंट को, कांट पेनिट्रेट डीपली, ठीक। अब अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में, वो ये है कि यूवी रेज के कारण क्या होता है, थायमर बन जाता है, ड्यू टू यूवी रेज क्या बनता है, थायमिन डाइमर फॉर्म हो जाता है किसमें, डीएनए में, थायमिन डाइमर फॉर्म इन डीएनए। इससे क्या पता चलता है, ये थायमिन डाइमर को फॉर्म कर सकती है। ये डाइमर क्या करता है, कॉज करता है क्या चीज, म्यूटेशन, किस दौरान, रेप्लिकेशन के दौरान। थायमिन डाइमर कॉजेज म्यूटेशन एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन होगा तो ये डाइमर क्या कॉज करते हैं, म्यूटेशन कॉज करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो डाइमर बन सकता है हमारा वो थायमिन थायमिन का नहीं बनता, वो हमारा साइटोसिन साइटोसिन का बन सकता है, साइटोसिन थायमिन का बन सकता है, थायमिन साइटोसिन का बन सकता है। ये हमारे जो होते हैं डाइमर फॉर्म हो सकते हैं ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन म्यूटेशन की वजह से। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ डायग्रामेटिकली, मान लो ये हमारा हो गया डीएनए, जब इस पे यूवी रे पड़ती है, यूवी रे तो क्या होता है, इनके जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और क्या होता है, एक डाइमर फॉर्म हो जाता है, चाहे वो थायमिन का हो, साइटोसिन का हो या किसी का हो। मतलब यहाँ के हमारा क्या बन गया, ये आप कह सकते हो डायमर। ये क्या, ये किसके द्वारा हुआ है, यूवी रेस की वजह से, मतलब म्यूटेशन हुआ। ये सब बात आती है किसमें, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में। ये बात कर ली हमने फिजिकल म्यूटेशन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय